Good morning, students. How are you all, beta? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. And your parents are healthy too. So, I welcome you in online class. I hope you are understanding and enjoying the online class. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप enjoy कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस का. तो ऑनलाइन क्लासेस आप रेगुलरली पढ़ें, जो कुछ भी करवाया जा रहा है उसे अपनी कॉपी में करें. सो आई वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लास. सो विच ऑनलाइन क्लासेस दिस? यस, थिंक एंड टेल मी फास्ट. इन दिस ऑनलाइन, this is your English online class. So I welcome you in English online class. So in English we have done lines and curves. So standing line, sleeping line, slanting line, curves, this we have done in previous class. So I hope you have understood this. By using this line and curve we will write the characters. But there is something new in this class. What is new? We are going to learn the small alphabets. I know you have learned the capital alphabet, but now we are going to learn small alphabet. मुझे पता है आपको छोटे alphabets सीखने हैं और बड़े alphabets आपने कर लिए हैं. तो आज हम दोनों A करेंगे, capital A and small A. तो करने से पहले हम देखेंगे वीडियो. वीडियो आप ध्यान से देखना कि ए स्मॉल ए हमें कैसे बनाना है. सो कम एंड लेट्स वॉच द वीडियो. आर यू रेडी फॉर द वीडियो? वेरी गुड. सो कम एंड लेट्स वॉच. फॉर एक्स एक्स एक्स. Have you seen the video? Have you enjoyed the video? And have you understood something? I have asked you 3 questions. क्या आपको समझ में आया? आपने वीडियो को enjoy किया? अब कुछ भी समझ में आया आपको? नहीं आया? कोई बात नहीं. I will tell you.
टुडे वी विल डू स्मॉल ए, ओके। आज हम स्मॉल ए करेंगे, हमारा ये नया टॉपिक है। तो स्मॉल ए, आपने कैपिटल ए तो किया है ना, तो स्मॉल ए भी होता है। स्मॉल ए से क्या है, एक्स, ओके। एक्स मीन्स से लकड़ी काटते हैं ना, उसे एक्स बोलते हैं, ओके। तो अब ए कैसे लिखेंगे वो अब हम सीखेंगे। तो इसमें हमने लाइंस की थी ना, लाइंस और कर्व्स, हाँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक ओ बना लो आप, ओ बना के एक स्टैंडिंग लाइन बना दो, ये आपका बन गया ए। हम नाइन बनाते हैं ना, नाइन में तो नीचे लाइन होती है, ऊपर नहीं जाती है, इसमें हल्की सी ऊपर से लेंगे। दोबारा से बना के देखें, आप प्रैक्टिस जरूर करना तभी आएगा। पहले क्या बनाओगे, कर्व बना के फिर एक थोड़ी सी ऊपर जाते हो, फिर नीचे ले आना, ये आपका बन गया ए। इससे भी इजी तरीका एक और है, वो क्या है कि पहले आप बना लो ऐसे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बना दो, ठीक है। वंस अगेन सी, फर्स्ट यू विल मेक अ कर्व, पहले आप सी बनाएंगे, सी बना के फिर आप स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, तो ये आपका बन गया ए। दोबारा से बनाएंगे, आप भी अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए, आ जाएगा आपको, वेरी गुड। 1-2 बारी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सी और फिर स्टैंडिंग लाइन, तो ये आपका बन गया ए। दोबारा से ट्राई करें, यस। दोबारा से बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सी, फिर हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। सो दिस इज योर स्मॉल ए, ए फॉर एक्स, ए फॉर एप्पल। अब दोबारा से बनाएं एक बारी, वेरी गुड। आप बताओ कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे सी मैम, फिर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। एक बारी और, अभी तो हमें बहुत सारा बनाना है ना, तभी हमें आएगा। पहले हम बनाएंगे सी, फिर हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमारा बन गया ए। सो अब नंबर काउंट करके भी बना सकते हैं हम, कैसे, 1, 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, समझ में आया आपको, गुड, थोड़ा थोड़ा। तो आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। सो बेटा, यू वॉट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू डू इट इन योर बुक, ओके। योर बुक नेम इज जस्ट राइट स्मॉल लेटर्स, राइट। तो उसमें 4 लाइन्स में दिया हुआ है, सो वी हैव टू राइट डाउन इन 4 लाइन्स। हाउ वी विल राइट इन 4 लाइन्स, दैट आई विल शो यू। फ्रॉम ये डॉट देख रहे हो आप, इस डॉट पे आपने ऐसे करके ऐसे बनाना है, और लाइन से बाहर नहीं निकलना है। और ए कैपिटल ए आपको आता ही है, यहाँ पे भी एक और डॉट होगा, वहाँ से डॉट को लेकर आपको ऐसे बनाना है, ओके। तो एक बार ही दोबारा से इसे समझ लीजिए, डॉट्स के साथ 4 लाइन्स में किस तरीके से लिखना है, उसके लिए भी एक वीडियो है, और वो आप वीडियो देख लें। सो लेट्स मूव एंड वॉच द वीडियो। सो बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, और आपको ए लिखना आएगा, अच्छे से तब आएगा जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप इस पिक्चर में देखें ए की कितनी सुंदर शेप बनी हुई है, ए से एरो, नीचे से देखिए, ए से एरो, ए से एंट, ए से एप्पल, ए से एरोप्लेन, ए से आर्म, ए से एक्स। तो आप भी कुछ ए से अल्फाबेट सोचना और ऐसे ए बना के कुछ लिखना, ताकि आप क्रिएटिविटी हो और आपको और भी ए से क्या बनता है वो पता लगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।
आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। सो नाउ इट्स योर टर्न टू लर्न इट, टू राइट इट, टू रिवाइज इट एट होम सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू राइट ए। सो ए इज वेरी ईजी। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द कर्व एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन। तो ये आप प्रैक्टिस करिए अपनी बुक में भी और अपनी नोटबुक में भी, ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमॉरो।